मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज धनतेरस है और धनतेरस की आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी अपनी कृपा दृष्टि आप लोगों पर बनाए रखें, धन दौलत और ऐश आराम से परिपूर्ण रखें आप सभी के लिए। कोई दुख दर्द कोई गम ना हो और सभी संपन्न रहें अपनी अपनी ज़िंदगी में, खुशहाल ज़िंदगी रहे सभी की। और यहाँ पर फार्म पर आ गया हूँ तो देखा कि बच्चे सुबह सुबह आकर खेल खेल रहे हैं। मैं दिखाता हूँ, ये देखो 10 बजे से इनका स्कूल रहता है और ये 8 बज चुके हैं, तो अभी 1 घंटा ये खेलेंगे, मस्ती करेंगे यहाँ पर। मतलब जैसे ही इन बच्चों को समय मिलता है ये खेलना शुरू कर देते हैं। खेलना कूदना बच्चों का मतलब हिस्सा है इनकी ज़िंदगी का। इनसे पढ़ने के लिए बोलेंगे तो इतनी जल्दी पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, लेकिन खेलने के लिए बोल दो तुरंत, चाहे बुखार हो, सिर दर्द हो, कुछ भी हो, मतलब खेलने के लिए तुरंत तुरंत रेडी हो जाते हैं। ये उम्र ही कुछ ऐसी है कि जिसमें बच्चे मतलब खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और हर वो चीज़ इन लोगों के लिए अट्रैक्ट करती है जो मतलब इनके कैरियर से दूर ले जाती है। चाहे खेलना हो, कूदना हो, फिल्म देखना हो और गेमिंग खेलना हो, मतलब जो भी है, मतलब उसके इनके पढ़ाई लिखाई से जो चीज़ दूर ले जाती है वो हर चीज़ इन्हें करना पसंद होता है। खेलना कूदना मौज मस्ती करना सब कुछ, जबकि माँ बाप डांटते हैं डपटते हैं फिर भी मतलब नहीं सुनते पढ़ने के। और हर बच्चा पढ़ाई से दूर भाग रहा है आज के समय में। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं ऐसे भी हैं जो मतलब अपनी स्टडी पर ध्यान देते हैं, और मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मतलब माँ बाप डांट डपट कर मतलब पढ़ाते हैं। तो बच्चे दो ही कंडीशन में पढ़ते हैं, या तो सेल्फ इंटरेस्ट हो बच्चे में तो वो पढ़ेगा, या फिर मतलब मॉम डैड का इतना डर हो कि मतलब वो पढ़ने पर मजबूर हो जाए। सिर्फ ये दो ही कारण है जब बच्चा पढ़ता है और सफल होता है, सक्सेस होता है, ये दो ही बच्चे सफल होते हैं, बाकी तो बस ऐसे ही रह जाते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण मतलब मैं हूँ कि मैंने जब स्टडी वो करता था मैं बचपन में, तो मतलब सेल्फ स्टडी करता था और मामा जी आते थे मुझे पढ़ाने के लिए। उनका उनका भी डर था मामा जी का, लेकिन पापा जी का कोई डर नहीं था, पापा मम्मी का। उन्होंने फ्री छोड़ दिया था, बेटा एंजॉय लाइफ, मतलब जो मन में आए वैसे करो, मतलब पढ़ाई लिखाई पे जोर देते थे कि बेटा हाँ पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन बर्डन नहीं डाला उन्होंने किसी प्रकार का कि नहीं मतलब तबीयत ख़राब है तो भी पढ़ना है ये है वो। लेकिन मामा जी का बर्डन था, तो वो मामा जी कहते थे कि तबीयत ख़राब है तब भी पढ़ेगा, बुखार आ रहा है तब भी पढ़ेगा, जो होमवर्क मिला है वो तुझे करना ही करना है। तो उनका डर था तो मैं पढ़ा, और 2011 में मेरा सिलेक्शन हो गया था यूपी पुलिस में। लेकिन मेरी इच्छा इधर आने की थी एक्टिंग लाइन में, तो मैंने पापा जी से बोला कि पापा मतलब मैं नहीं जाना चाहता। तो पापा ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, इट्स योर लाइफ, जो डिसीजन आपको लेना चाह वो लेना पसंद है तो वो ले सकते हो आप। अदरवाइज़ अगर पापा उस वक्त नहीं कहते और पापा स्ट्रिक्ट होते, फिर ये बोलते कि बेटा अगर तू नौकरी नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, आज के बाद अपना खर्चा खुद करना, मेरे से कोई पैसा तेरे को नहीं मिलेगा, तो शायद मैं वो नौकरी ज्वाइन कर लेता। और मतलब आज मैं पीसीएम ग्रुप से था उस वक्त, तो मेरे जो जितने भी दोस्त हैं पीसीएम ग्रुप से वो सब एसआई बन चुके हैं अब तक, और कुछ मतलब प्रोसेस में हैं जो बन जाएंगे। तो मतलब यही है माँ बाप का प्यार और मतलब स्नेह, ताकि मतलब लेकिन माँ बाप से हमें मतलब कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। और मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता था, एसआई बन गया कोई बात नहीं, लेकिन जो एसआई की सैलरी है उससे कहीं मत ज़्यादा मतलब बड़े आसानी से कमा लेता हूँ और विदाउट टेंशन कमा लेता हूँ, अपने मतलब खुशीपूर्वक कमा लेता हूँ, मतलब आसानी से कमा लेता हूँ और अपनी फैमिली के साथ भी रह सकता हूँ आराम से। कोई हेडक नहीं है, किसी का कोई बर्डन नहीं है, जैसे चाहूँ वैसे अपनी ज़िंदगी मतलब व्यतीत कर रहा हूँ, तो सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। लेकिन मेरा डिसीजन सही था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार प्रमोद भाई आपने वो नौकरी छोड़ दी, आज दरोगा होते तो आपका एक रौला होता, एक रौब होता, ये होता वो होता ऐसा होता वैसा होता। नहीं, मैं किसी पर रौला जमाना नहीं चाहता, किसी पर रौब दिखाना नहीं चाहता, बस सिंपल हूँ, सिंपल ही रहना चाहता हूँ और लोगों की रेस्पेक्ट करना चाहता हूँ और ऐसा व्यक्ति बनकर रहना चाहता हूँ जो चार अव्यक्ति ये कहें कि हाँ बंदा सही था, सीधा साधा था। तो बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बाकी घर वालों से सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, घर वाले कॉपरेट करते हैं, जो भी कमाता हूँ घर वालों को दे देता हूँ, अपने पास भी कुछ नहीं रखता। तो और बाकी तो सब अच्छा चल रहा है, सब प्यार, बस सबसे बड़ा जो हमारी ज़िंदगी में है माँ बाप भाई बहन का प्यार है, मतलब बस यही दुनिया की दौलत है हमारे लिए। पैसा तो आता है चला जाता है, सब लोग कमा रहे हैं पैसा वो तो है, लेकिन जो फैमिली लव है वो मच बेटर है और वो हमारी ज़िंदगी में है। हम खुशहाल हैं, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो मन में आए हम वो कर सकते हैं, इतना तो मतलब है। A few moments later. मोतीलाल आ गए हैं और ताला खोलकर उनके जो औजार हैं वो भी निकाल दिए हैं। आज 3 लोग आए हैं ये लोग, बाकी
मतलब बहन जी भी आई हैं, और देखो तो देखता हूँ बहन जी को भेज देता हूँ घर पे, मतलब भैंस दूध देंगे, फिर हमारे चाय का जुगाड़ हो जाएगा, ब्रेकफास्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी ज़रूरी है। करीब 9 साढ़े 9 बजे तक हमारा ब्रेकफास्ट मिल पाएगा। मम्मी होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पापा सुबह सुबह चाय बना देते हैं, पापा बना लेते हैं, मम्मी बना लेती हैं, जैसे भी। मम्मी को ज़्यादा काम नहीं करने देते, हम लोग मिल बांट कर ही मतलब वो बना लेते हैं, पापा और हमारा मेरा पिंटू का, हम मतलब खाना बनाने में हेल्प करते हैं मम्मी की। तो चाय हमारे घर में सबसे स्पेशल जो बनाते हैं ना, वो पापा जी ही बनाते हैं। इतनी बढ़िया टेस्टी चाय बनाते हैं, बहुत ज़्यादा। कोई मेहमान आते हैं तो पापा जी ही चाय बनाते हैं, अच्छा लगता है उनके हाथ की चाय, इतना टेस्ट होता है उनके हाथों, पता नहीं एक जादू जैसा है उनके हाथों में। A few moments later. फाइनली गन्ना फार्म पे आ गया हूँ और यहाँ पर काम शुरू हो गया गन्ना छीलने का। और आज मौसम बहुत ख़राब है, सुबह चूंकि बूंदा पड़ी थी और अभी भी बादल हो रहा है। मैं दिखाता हूँ आपके लिए, ये देखो कितने बादल आ रहे हैं, काली घटाएं आ रही हैं। अगर बारिश हो गई तो काम बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश में चलाई नहीं हो सकती। और अगर ज़्यादा बारिश हो गई और खेतों में पानी भर गया तो गन्ना निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, दो दो ट्रैक्टर लगाने पड़ेंगे आगे पीछे, उसके बाद बहुत मुश्किल से गन्ना निकल पाएगा। A few moments later. बारिश शुरू हो गई है और हम लोग बारिश की बूंदों से बचने के लिए आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। छोटी छोटी बूंदें निकल रही हैं अभी, ज़्यादा तेज़ बारिश होगी तो फार्म हाउस पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर रुक जाएंगे, शायद आज काम मुश्किल है होना। 1 hour later. आज यहाँ पर हल्की सी बारिश हो गई है तो जो गन्ना छिलाई का काम है वो बंद हो गया है। और ये मतलब इसमें एक पोर्शन में लैटा बोना रह गया था, वो आज बोलेंगे और उसे मिला देंगे, फिर बाकी आज काम बंद रहेगा। 1 hour later. आज बारिश की वजह से गन्ना फार्म पे जो काम चल रहा था गन्ना छिलाई का, वो बंद करना पड़ा। और जिस खेत में हम लैटा बो रहे थे, जिसका एक पोर्शन रह गया था लैटा बोने से, तो उसमें हमने बीज बिखेर दिया था आज, और बिखेरने के बाद उसे कल्टीवेटर से मिला भी दिया, पटेला भी लगा दिया। अब उसमें नखर डालनी बाकी रह गई है। और वहाँ से मम्मी का फोन आया था, बोल रही थी कि बेटा आज धनतेरस है तो आप आज शहर आप चले जाओ। और मम्मा ने जो सामान बोला है वो धनतेरस के उपलक्ष्य में, और वो सामान लेने जा रहा हूँ। और ठीक है दोस्तों, मतलब फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय बाय, हैव ए गुड नाइट विद योर ड्रीम्स, और माँ लक्ष्मी आपको धन दौलत ऐशो आराम से परिपूर्ण रखें। धनतेरस की एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिएगा।